हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट के अंदर कि जेएनयू में जो आपका बीए फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज सिलेक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पे किस प्रकार से रहता है। देखिए, जैसे कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो ये चीज़ जानते हैं कि जेएनयू में जो है आपको मिनिमम एक लैंग्वेज फिल करने का चांस मिलता है और मैक्सिमम जो है यहाँ पे तीन लैंग्वेज फिल करने का चांस मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने तीन लैंग्वेज यहाँ पे फिल करी है। जिन्होंने एक लैंग्वेज फिल करी है, खैर उनका तो सिलेक्शन उसी में होना है अगर होगा तो, और नहीं होगा तो फिर उनको सेकंड या थर्ड के अंदर चांस नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने एक लैंग्वेज ही फिल करी थी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तीन लैंग्वेज यहाँ पे फिल करी है तो उनका जो लैंग्वेज सिलेक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पे किस प्रकार से रहता है, गाइज बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए, ये तीन लैंग्वेज है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट पे मैंने लिया है कोरियन, सेकंड पे मैंने लिया है रशियन एंड थर्ड पे मैंने लिया है अरेबिक। तो अब जो लैंग्वेज सिलेक्शन का प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखा जाएगा जो कोरियन लैंग्वेज है उसके बारे में, यानी कि हमने फर्स्ट पे कोरियन लिया है तो अगर कोरियन का कट ऑफ क्लियर होता है हमारा तो हम लोगों को जो है क्या होगा, कोरियन में एडमिशन मिल जाएगा। तब तो जो है कोई झंझट ही नहीं रहेगा अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज में ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया, कट ऑफ ज़्यादा चला गया कोरियन का, ओके, तो फिर चांस बनता है आपका यहां पे रशियन का एंड फिर जो है अरेबिक का। तो क्या देखा जाएगा कि इस स्टूडेंट का यहां पे कोरियन में नहीं हो पाया है तो इसका जो रशियन का क्राइटेरिया है वो देखा जाएगा। अगर आप रशियन की कट ऑफ क्लियर करते हो तब आपको रशियन में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन सीधे सीधे एडमिशन आपको नहीं मिलता है। यहां पे ये होता है कि रशियन के अंदर वो स्टूडेंट जिसने रशियन को फर्स्ट चॉइस पर डाला है तो पहले उसको एडमिशन मिलेगा जिसने जो है रशियन को फर्स्ट चॉइस पर डाला है, क्योंकि आपने तो सेकंड पर डाला है, आपने फर्स्ट पर क्या डाला है, कोरियन डाला है, तो आपका फर्स्ट जो चांस है वो कोरियन में होता है, उसके बाद आपका सेकंड में आता है। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है वो उस स्टूडेंट की भी तो है जिसने फर्स्ट चॉइस पे इसको डाला है, तो पहले उसको मिलता है। अगर उसका नहीं क्लियर हो पाता है फिर आपको जो है रशियन में यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। सेम इसी प्रकार से जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए कि रशियन में भी जो नहीं हो पाता है तो फिर जो है अरेबिक का यहाँ पे क्राइटेरिया देखा जाता है कि आप जो है अरेबिक का जो कट ऑफ है वो क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अरेबिक को फर्स्ट पे जो है यहाँ पे डाला था, यानी कि फर्स्ट चॉइस पे डाला था, उनमें से कितने स्टूडेंट का यहाँ पे हो पा रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है एक आध का तो फिर जो है आपका यहाँ पे अरेबिक के अंदर सिलेक्शन हो जाता है गाइस। अब एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या होता है कि मान लीजिए जैसे जेएनयू की यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इस तरह से कट ऑफ निकलती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपका जो है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अंदर रशियन में हो गया, या फिर मान लीजिए सेकंड कट ऑफ में आपका जो है रशियन के अंदर हो गया और आपका जो है रशियन सेकंड लैंग्वेज था, एंड अब देखिए क्या होगा कि आपको रशियन मिल गया, ठीक है, रशियन में आपको एडमिशन अच्छे से मिल गया। लेकिन जब आपका थर्ड कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे निकलेगा और उस समय जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे रशियन को फर्स्ट पे डाला था, अगर उसका कट ऑफ क्लियर हो गया तब रशियन वाला किसको मिल जाएगा, जिसका फर्स्ट चॉइस था, ओके, फिर आपका वहां पे आएगा नीचे अरेबिक का, ओके। तो उस कंडीशन में आपका लैंग्वेज यहाँ पे चेंज होके जो है थर्ड पे क्या हो सकता है, अरेबिक भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। गाइज मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि उनका जो है सेकेंड के अंदर जो उनको लैंग्वेज मिला, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड कट ऑफ में, तो थर्ड कट ऑफ में फिर उनको जाके जो है यहाँ पे लैंग्वेज चेंज उनकी हो गई क्योंकि उनका थर्ड लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो ये गाइज जो है आपका लैंग्वेज सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, मैंने आपको काफी इजी वे के अंदर यहाँ पे बताने का प्रयास करा है। होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे गाइस, एंड और कोई आपका डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। हाँ, रिजल्ट के रिगार्डिंग मत करना, मुझे पता है कि आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे टेंशन हो रही है, अभी तक जेएनयू ने रिजल्ट नहीं दिया है, देखिए टाइम लगेगा। हम लोग यही कर सकते हैं कि अपनी बात जो है उन तक पहुंचा सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, ठीक है, लेकिन सुनना और उस पर काम करना तो उन पर ही यहाँ पे डिपेंड करता है, वही लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हम लोग केवल अभी फिलहाल के लिए वेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है, तो आप लोग उसको ज़रूर से यहाँ पर ज्वाइन करें। सिर्फ वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जो बी ए फॉरन लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर है, यानी कि बी ए फॉरन लैंग्वेज के लिए फॉर्म भरे हैं। ये वीडियो भी वैसे बी ए फॉरन लैंग्वेज वाले स्टूडेंट के लिए ही है, ओके। सो गाइज आज के स्टूडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक करिए और हमेशा की तरह जो है यहाँ पे वीडियो को जरूर से शेयर भी करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिल सके, ओके। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही।